अस्सलाम वालेकुम हैदर टीवी के नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं कराची से मिनहाल हुसैन जाफरी, जो आपको चहलुम इमाम हुसैन के जुलूस की हर खबर से आशना रखेगा। ये है कराची का एमएजिना रोड, जहां से चहलुम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस गुजरेगा। रास्ते में मौजूद पोल पर लाल और काले झंडे लहरा दिए गए हैं, जबकि बैनर्स और पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, जिन पर हुसैनियत जिंदाबाद के नारे दर्ज हैं। यह है मुल्क के मशहूर और मारूफ फलाही इदारे JDC का कैंप, जहां जुलूस के शुरुका के लिए नजर इमाम हुसैन का बंदोबस्त किया गया है। आज रात से ही खाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। सड़कों को मुकम्मल साफ किया जा रहा है। जहां कहीं सेवरेज का पानी मौजूद है, उसे मुकम्मल क्लियर किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी के मकसद के तहत जगह जगह कंटेनर्स लगाकर रास्तों को ब्लॉक किया गया है। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म है कि ये साल कोरोना की वजह से मुश्किलात का साल रहा है, और इसी वबा के सबब इस साल अजादार ना तो आशूरे और ना ही अरबाइन पर करबला जा सके हैं। इसलिए उल्मा ने ख़ास हिदायत की है कि वो चहलुम इमाम हुसैन के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर यकजहती का मुजाहरा करें, और करबला में मशी के मौके पर जो माहौल दिखाई देता है उसकी याद ताज़ा करें। मैं आप सब से इल्तिमास करूंगा कि इस साल अपने ऊपर कौमी वाजिब करार दें चेहलुम की मजलिस में और जुलूस में शरीक होना। लगता है क्या हुसैन?